ऋषि कपूर ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि उन्हें कैंसर ही था और कैंसर के दर्द के बारे में उन्होंने हाल ही में बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस पेशकश में। सबसे पहले आपसे आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे उनके बेटे यानी कि ऋषि कपूर के बेटे रणवीर कपूर और उनकी बेटी रिद्धिमा और साथ ही साथ ऋषि कपूर की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर हमेशा से साथ रही हैं ऋषि कपूर के। और जब ऋषि कपूर को कैंसर डायग्नोस हुआ था तब क्या कुछ चीजें हुई थी ये आप जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। तो वहीं आप ये भी जानने वाले हैं कि अब कैसे कैंसर से मुक्त हैं वो और साथ ही अभी थोड़ा बहुत प्रोसीजर बाकी है लेकिन चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। इसी बीच आपको ऋषि कपूर के उस बयान से रूबरू कराते हैं जिसमें उन्होंने बात की है अपने कैंसर के बारे में। पिछले दिनों ऋषि कपूर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई। उनके दोस्त और साथ ही फिल्म मेकर राहुल रवेल ने बताया कि ऋषि कपूर अब कैंसर से मुक्त है। ऐसा पहली बार था जब उनकी बीमारी का खुलासा हुआ। उससे पहले अभी तक ना तो ऋषि कपूर और ना ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने इस बात की जानकारी दी। अब ऋषि कपूर ने पहली बार अपनी बीमारी पर खुलकर बातें की हैं। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने कहा, बीमारी के वक्त नीतू मेरे साथ एक चट्टान की तरह सहारा बनी रही। मेरे खाने और पानी पर इस तरह का ध्यान रखना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे दोनों बच्चे रणवीर और साथी रिद्धिमा हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ऋषि कपूर ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका में मेरा इलाज 1 मई से शुरू हुआ जो कि 8 महीने तक चला। भगवान काफी दयालु हैं। अब मैं कैंसर से मुक्त हो चुका हूँ। मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जिसके लिए अभी कम से कम 2 महीने और लगेंगे। मेरे ठीक होने के पीछे बड़ी वजह मेरे परिवार का साथ होना ही है। साथ ही फैंस ने मेरे लिए लगातार दुआएं भी की। मैं सभी की दुआओं का शुक्रिया करता हूँ। ऋषि कपूर कहते हैं कि बीमारी से मुझे धैर्य रखने की सीख मिली। ये भगवान का तरीका है कि उसने मुझे इस तरह धैर्य रखना सिखाया। तबीयत में सुधार होना एक धीमी प्रक्रिया है लेकिन इससे आपको जिंदगी भर के लिए सीख मिलती है। इससे पहले ऋषि कपूर ने सितंबर साल 2018 में खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि वो अमेरिका में इलाज के लिए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीमारी का खुलासा नहीं किया था। ऋषि कपूर ने ट्वीट में लिखा था कि वो सिर्फ अमेरिका जा रहे हैं और जल्द लौटेंगे। खैर, तो आपने जान ही लिया कि कैसे एक डायरेक्टर द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। तो वहीं जबेच हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक्टर ऋषि कपूर पिछले कई महीनों से न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे हैं। खबर थी कि उन्हें कैंसर है जिसके इलाज के लिए वो पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क रवाना हुए थे। वहीं अब रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ऋषि कपूर का इलाज पूरा हो चुका है। एक्टर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि ऋषि कपूर जल्द ही भारत लौट सकते हैं। ऋषि पहले से अब काफी ज्यादा ठीक है, उन्हें अपना ट्रीटमेंट पूरा करना है और वो अगले कुछ महीने में वापस आ सकते हैं। फेसबुक पर ऋषि कपूर के कैंसर फ्री होने की घोषणा करने वाले राहुल रवेल ने कई सारी फिल्में बनाई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसी फोटो शेयर की है जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋषि जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा ने अपने पेरेंट्स की फोटो शेयर कर लिखा है कि वो दोनों से मिलने का इंतजार कर रही है। बता दें कि ऋषि कपूर ने पिछले साल सितंबर में एक बीमारी के इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाने की खबर फैंस के साथ ट्विटर पर शेयर की थी लेकिन वो किस बीमारी का इलाज करा रहे हैं इसे लेकर कपूर परिवार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया था। हेलो, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम से छुट्टी लेकर अमेरिका जा रहा हूँ। मैं अपने शुभ चिंतकों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा परेशान ना हो और अफवाह ना उड़ाएं। आपके प्यार के साथ मैं जल्द लौटूंगा। हालांकि नीतू कपूर ने नए साल पर फैमिली फोटो शेयर करते हुए एक मैसेज लिखा था। ये जो हमने आपसे बात की ये ऋषि कपूर ने बताया था कि वो कैसे जल्द लौटेंगे। तो वहीं नीतू कपूर ने लिखा था जिसे देखकर फैंस ने सवाल उठाए थे। जी हाँ, नीतू ने लिखा, हैप्पी 2019। कोई रिजोल्यूशन नहीं, केवल दुआएं, कम प्रदूषण और ट्रैफिक। उम्मीद करती हूं कि भविष्य में कैंसर सिर्फ एक राशि रहेगी। खुशी और अच्छी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है।
जनाब सभी ने ऋषि कपूर के कैंसर को लेकर क्या कुछ खबरें सामने आ रही थी। आखिरकार क्या कहा ऋषि कपूर ने खुद अपने कैंसर के बारे में और साथ ही परिवार का इस पर क्या रिएक्शन था, ये भी आप जान ही चुके होंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।